हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक शुरू करा हुआ है वो है ट्रांसलेशन। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसलेशन का इनिशिएशन तक कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। अब हम बात करेंगे इलॉन्गेशन की। तो मैं आपको कुछ थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि जो ट्रांसलेशन थी उसमें हमारे पास जो स्टेप्स थे वो था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, फिर इनिशिएशन, फिर इलॉन्गेशन, फिर टर्मिनेशन एंड लास्ट पार्ट इज़ द पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस। हमने पहले दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, अब हम करेंगे इसका थर्ड स्टेप, दैट इज़ द इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, सो लेट्स बिगिन इलॉन्गेशन। बेटा इलॉन्गेशन करने के लिए चाहिए क्या? सबसे पहली चीज़ इलॉन्गेशन करने के लिए चाहिए हमें अमीनो असाइल tRNAs, यानी कि tRNAs चार्ज हुए हुए चाहिए, tRNA के ऊपर स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऐड हुआ होना चाहिए। एक तो हमें वो चाहिए, और हमें क्या चाहिए इसके अलावा? हमें चाहिए सेट, चाहिए सेट ऑफ प्रोटीन्स। वो क्या करेंगे प्रोटीन्स? दे आर नोन एज एक्चुअली इलॉन्गेशन फैक्टर्स, दे आर नोन एज इलॉन्गेशन फैक्टर्स। तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें चाहिए सेट ऑफ प्रोटीन्स, वो कितने? तीन चाहिए, एक ई एफ टी एस, एक ई एफ जी और एक है ई एफ टी यू। ये हमें तीन इलॉन्गेशन फैक्टर्स चाहिए, राइट? क्योंकि देखो अभी मैंने आपको इनिशिएशन तक कराया था कि पी साइट पे कुछ स्पेशल वाला अमीनो एसिड आ चुका, याद है? वो मैंने बताया था उस सबसे पहले वाला कुछ स्पेशल होता है। वो कैसे स्पेशल होता है? कि वो हमेशा पी साइट पे आता है और उसके साथ हमेशा आएगा एफ मेट, एफ इज़ फॉर माइलेटेड मिथियोनिन आएगा, क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं इलॉन्गेशन की। देखो अभी अमीनो एसिड्स को जोड़ना भी तो आना, बारी बारी हमने उसको अटैच भी तो करना है, तो अटैच कर करके अमीनो एसिड्स की चेन बनती जाएगी और इलॉन्गेशन होती जाएगी। तो उसके लिए इलॉन्गेशन करने के लिए तीन स्टेप्स हैं, देर आर थ्री स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग इलॉन्गेशन, फॉर परफॉर्मिंग इलॉन्गेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है सबसे पहले कि अमीनो असाइल tRNA को बाउंड होना पड़ेगा EFTU के साथ, मतलब अब जो अगले अमीनो एसिड्स आने हैं ना वो अपने आप नहीं आ सकते, उनको कोई लेकर आएगा। वो कौन लेकर आएगा? दैट इज़ EFTU। ये जो EFTU होता है ना, ये भी कुछ स्पेशल होता है, ये GTP बाउंड होता है। आपको याद है हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर्स भी थे IF1, IF2, IF3, वहाँ पे भी IF2 GTP बाउंड था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अमीनो असाइल tRNA का GTP बाउंड EFTU के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है, राइट? तो ये देखो, सपोज़ ये है हमारे पास, ये देखिए, ये मैंने tRNA को दिखाया है, tRNA को रिप्रेजेंट करा है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो tRNA को, आप tRNA को ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो, राइट? ये देखो, ये अमीनो असाइल tRNA है, इसके साथ बाउंड है EFTU और EFTU के साथ बाइंड होता है GTP, यानी कि EF2TU इज़ एक्चुअली GTP बाउंड प्रोटीन, ओके? तो सबसे पहली चीज़ तो EFTU GTP वाला अटैच होएगा विद अमीनो असाइल tRNA के साथ, ओके? सबसे पहली चीज़ तो यही है, यानी कि सबसे पहला स्टेप यही है। और ये ज्वाइन होती, देखो कॉम्प्लेक्स का नेम क्या होगा, ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स का नेम होगा अमीनो असाइल tRNA EFTU GTP कॉम्प्लेक्स। ओ माय गॉड, कितना बड़ा नाम, देखो अमीनो असाइल tRNA, वो तो है ही है, ये रहा EFTU GTP कॉम्प्लेक्स, ओके?
ये बन गया। अब GTP अपना काम करेगी, क्या करेगी? इट हाइड्रोलाइजेस, GTP हाइड्रोलाइसिस। ओके, अगर ये हाइड्रोलाइज होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी? अगर ये हाइड्रोलाइज होगी तो ये कन्वर्ट होगी EFTUGDP में कन्वर्ट होगी, EFTUGDP में कन्वर्ट होगी, GTP से GDP में कन्वर्ट हो गई। ओके, यानी कि GTP हाइड्रोलाइज हो गई है। मेक श्योर आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से करने वाला है। और इसके बाद ये देखो, अभी तो हमारे पास कुछ इस तरह से, राइट, हमारे पास कुछ इस तरह से राइबोसोम के सब यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये देखो, राइट। 30S ये है हमारे पास, 50S, ये 30S छोटे वाला है, 50S बड़े वाला है, राइट। इट विल रेदर टू राइट, आपको सीधा यहाँ पे ऐसे उल्टा दिख रहा होगा, 30S एंड 50S, राइट। तो नाउ, अब अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास ये साइट्स हैं, ये कौन कौन साइट हैं? ये ए साइट है, ये पी साइट है, ये ई साइट है। पी साइट पे हमारे पास पर्टिकुलर स्पेशल एक अमीनो एसिड पड़ा है, याद है? ये तो पहले ही आ गया था इनिशिएशन के टाइम पे, ये लो, राइट। ये कौन सा? एफ मेट पड़ा है। अब नए अमीनो एसिड्स को भी आना पड़ेगा बेटा, इलॉन्गेशन जो करनी है, चेन जो बनानी है। तो अब नया अमीनो एसिड किस साइट पे आएगा? वो आएगा ए साइट पे। उसको लेके कौन आएगा? EFTU लेकर आएगा, क्योंकि वो GTP बाउंड है, वो साथ में अमीनो एसाइल tRNA को लेकर आएगा। चलो, वो ले आया, ये रहा, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये देखो, यहाँ पे ये आ गया। तो ब्लू वाले को मैंने रिप्रेजेंट करा है जो फर्स्ट पे आया था, ये जो मैंने अभी रेड वाला शो कर रही हूँ आपको, वो ये दिखा रही हूँ कि वो ए साइड पे आया है, वो अभी आया है, उसको EFTU लेकर आया, GTP GDP में हाइड्रोलाइज हो गई थी। अब होगा क्या? अब किसी भी तरीके से इन दोनों अमीनो एसिड को आपस में बॉन्ड बनाना है। वो क्यों बनाना है बॉन्ड? अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर ये चेन कैसे बनेगी, इलॉन्गेशन कैसे होएगी? यानी कि बॉन्ड बनना है पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। क्या करना है हमें? हमें किसी भी हालत में इसको, ब्लू वाले को फ्री करना है, राइट, ब्लू वाले को फ्री करना है। और अब क्या होना है? और अब होना क्या है? ये ब्लू वाला अमीनो एसिड रेड वाले अमीनो एसिड के ऊपर जाके लगेगा, यानी कि दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। सी कैसे होगा? ये देखो, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये रेड वाला जो किस साइड पे आया है, जो आया है कौन सी साइड पे? ए साइड पे। और ये ब्लू वाला जो किस साइड पे आया है, पहले आया था इनिशिएशन के टाइम पे, पी साइड पे। अब इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, डेफिनेटली ये बॉन्ड टूटेगा। तो होगा क्या? अ पेप्टाइड बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, अ पेप्टाइड बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड between the two amino acids, and that amino acids are present at the site A and P. Okay? तो होगा क्या? अब ध्यान से सुनना, peptide bond बनेगा कैसे? Peptide bond occurs by the transfer, ध्यान से देखो डायग्राम में मैं कैसे बना रही हूँ, by the transfer of N formyl methionine group from tRNA to the amino group of second amino acid. यहाँ पे जो ग्रुप पड़ा था वो कौन सा था? N formyl methionine, क्योंकि यहाँ पे जो अमीनो एसिड आया था वो कुछ स्पेशल था, वो क्या था? N formylated methionine था, तो उसके पास जो ग्रुप पड़ा है वो है N formyl methionine। तो यहाँ से N formyl methionine tRNA से कट के सेकंड वाले अमीनो एसिड के
साथ जाकर अटैच हो जाएगा, और ये रिएक्शन अपने आप से तो होने वाली है नहीं, इसको क्या चाहिए रिएक्शन करने के लिए, पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। सो व्हाट इट रिक्वायर, इट रिक्वायर पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली आरएनए बेस्ड एंजाइम होता है, इसलिए हम इसको राइबोसाइम बोलते हैं। दैट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी कि कुछ आरएनएज वो कैटालिटिक नेचर के भी होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड अब बन जाएगा, राइट? तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो इस तरह से दोनों के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, दिस वन इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये कैसे होगा पॉसिबल, ये देखो बेटा, वी नो दैट हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी जनरल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो अल्फ़ा कार्बन एटम के साथ ये एन, मैं थोड़ी इधर बना देती हूँ यहाँ पे, इट विल बी ईजी फॉर मी देन, वेट। ओके, नेक्स्ट अमीनो एसिड का भी सेम ऐसे ही, पर यहाँ पे मैं COOH ग्रुप ले रही हूँ, इधर वाले साइड NH2 ले रही हूँ, इधर H ले रही हूँ। तो अब वाटर की रिमूवल होएगी, ये देखो OH गया, यहाँ से H गया, तो बॉन्ड क्या बन गया, NHCO या CONH बॉन्ड। बेटा CONH बॉन्ड एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वाटर की रिमूवल होगी ना देखो, तो CONH बॉन्ड बन गया, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बन गया हमारे पास। ओके, यानी कि ये जो रिएक्शन होएगी उसको कराने का काम होता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज का काम होता है। जैसे ही EFTU के साथ GDP बनी थी, याद है ना, क्योंकि GTP तो हाइड्रोलाइज हो गई थी, साथ ही साथ साथ के साथ क्या होगा बेटा, GTP यानी कि EFTU GTP दोबारा से रीजनरेट भी हो जाती है। वो कैसे होते मैं करवाऊंगी अभी, राइट? वो कैसे होनी है वो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, तीन स्टेप्स में से दो स्टेप्स हो चुके हैं। पहला तो अमीनो एसिड का ए साइड पे आना, कौन लेकर आएगा वो बता चुकी हूँ। सेकंड स्टेप था पेप्टाइड बॉन्ड बनना। नाउ थर्ड स्टेप, नाउ द थर्ड स्टेप, नाउ अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, अब राइबोसोम शिफ्ट होगा 1 कोडोन टूवर्ड 3' एंड ऑफ mRNA। राइबोसोम अब शिफ्ट होगा टूवर्ड्स 3' एंड ऑफ mRNA। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास है साइट ए, ये साइट है पी और ये साइट है ई, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये वाला अमीनो एसिड है, ये देखो, राइट? और यहाँ पे ये वाला। अब याद है आपको पेप्टाइड बॉन्ड तो बन चुका, अब पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका तो कुछ इस तरह से दोनों अमीनो एसिड एक tRNA के ऊपर आ गए। ये देखो मैंने अभी दिखाया था आपको कि दोनों अमीनो एसिड एक tRNA के ऊपर कैसे आ जाएंगे, बिकॉज उनमें पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज ने पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। अब मूवमेंट होएगी, किसकी किसकी मूवमेंट होनी है बेटा, ये पड़ा है mRNA, ये देखो ये वाला, ये mRNA है। अब ये शिफ्ट होएगा राइबोसोम, राइबोसोम शिफ्ट होएगा टूवर्ड 3' एंड, दिस इज 3' एंड, दिस इज 5' एंड। अब राइबोसोम शिफ्ट होएगा 1 कोडोन अवे। अब ध्यान से देखने वाली बात है ये, प्लीज़ सब फोकस करें यहाँ पे, देखो अब राइबोसोम 1 कोडोन आगे शिफ्ट कर रहा है, ये देखो कर गया। ध्यान से, अमीनो एसिड्स वहीं पे पड़े हैं, देखो ध्यान से, राइबोसोम 1 कोडोन आगे शिफ्ट कर गया।
सो वट एवर एट द ए साइट नाउ एट द पी साइट एंड वट एवर एट द पी साइट नाउ एट द ई साइट. और ई साइट बेटा एग्जिट साइट होती है. जैसे ही यहाँ पे टीआरएनए आएगा वो एग्जिट हो जाएगा बिकॉज जो फ्री वाला टीआरएनए फ्री हुआ हुआ उसके पास कोई अमीनो एसिड्स नहीं है. तो यहाँ पे अमीनो एसिड सॉरी यहाँ पे टीआरएनए क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा. अमीनो एसिड नहीं कहना चाहिए था टीआरएनए. अब राइबोसोम शिफ्ट करा है राइट. राइबोसोम यहाँ पे थर्ड स्टेप में राइबोसोम मूव्स वन कडोन टूवर्ड्स थ्री डैश एंड ऑफ एमआरएनए. इस मोमेंट से वॉट एवर एट द ए साइट नाउ एट पी साइट वॉट एवर एट द पी साइट नाउ एट ई साइट. इनको नहीं हिलाना ये तो अपनी जगह पे है. बस राइबोसोम ने शिफ्ट करा. राइबोसोम ऐसे कैसे शिफ्ट कर सकता भाई है ना. राइबोसोम क्यों मूव करेगा वो करेगा मूव बिकॉज ऑफ ई एफ जी. ई एफ जी याद है मैंने तीन तरह के आपको फैक्टर्स बताए थे. ई एफ टी यू तो हमने यूज़ ही कर लिया था. ई एफ टी एस मैंने अभी कराना है आपको. ई एफ जी को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज़ ट्रांसलोकेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेज. ये जो एंजाइम होता है ना या ये जो फैक्टर होता है ना इसको एनर्जी मिलती है कहाँ से जीटीपी से. जीटीपी अगर हाइड्रोलाइज होएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए राइबोसोम को मूव करने के लिए. एमआरएनए मूव नहीं करता ना ही टीआरएनए मूव करते हैं. ओनली राइबोसोम शिफ्ट वन कडोन टूवर्ड थ्री डैश एंड राइट. यानी कि ए साइट फिर से फ्री हो गई. देखो ए साइट इज़ अगेन फ्री किसके लिए नए अमीनो एसिड के आने के लिए. ए साइट इज़ अगेन फ्री सो दैट न्यू अमीनो एसिड कैन कम. अगर नया अमीनो एसिड आएगा अब क्या होगा प्लीज़ यहाँ पे नोट करें. अब क्या होगा अगर नया अमीनो एसिड आएगा. ये आ गया न्यू अमीनो एसिड ये वाला. ये देखो ए साइट पे नया अमीनो एसिड आ गया. मैंने जान के चेंज कर दी शेप यहाँ पे ताकि आपको याद रहे. ये देखो मैंने स्टार सा बना दिया जान के. अब होना क्या चाहिए अब क्या होगा. देखो ई साइट तो फ्री है क्योंकि वहाँ पे तो कुछ नहीं है. अब होता क्या है पी साइट वाला अपना बॉन्ड तोड़ के अमीनो एसिड्स के साथ जो न्यू आया है उसके साथ बॉन्ड बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड. यानी कि यहाँ से ये कटेगी चेन और ये जो डाई पेप्टाइड है ना दो अमीनो एसिड्स वाली ये जो डाइपेप्टाइड है ये अब शिफ्ट होएगी फ्रॉम पी साइट टू ए साइट के ऊपर जाके लग जाएगी. और जो टीआरएनए डीएसाइलेटेड रह गया वो पी साइट से कहाँ पे आ जाएगा फिर से ई साइट पे. पर वो कैसे आएगा अगर राइबोसोम शिफ्ट करेगा. यानी कि अब क्या होगा यहाँ पे कटेगा और देखो यहाँ पे ऐसे अब ये अटैच हो जाएगा. अब एक चीज़ और ध्यान रखो जो पहले अमीनो एसिड आया था वो बिल्कुल टॉप पे होएगा. देखो जो सेकंड पे आया था वो सेकंड पे है जो थर्ड पे था वो थर्ड पे है. तो इस तरह से अब क्योंकि अब फिर राइबोसोम कैसे शिफ्ट करेगा वन कडोन अवे. अब कर दूँ एक बार शिफ्ट और ये देखो राइट ये देखो. सो वॉट एवर एट द ए साइट नाउ एट बी साइट whatever at the p site now at e site. तो e site वाला free हो जाएगा a site फिर से free होगी नए amino acid के आने के लिए. तो इस तरह से ये जो chain है ये चलती जाएगी elongation होती जाएगी. okay ये बात समझ में आई. तो मैं आपको बता रही थी एक बार मैं इसको summarize करती हूँ. elongation के लिए बेटा हमें बार बार amino acids को add करना पड़ेगा. तो उसके तीन steps हैं. फर्स्ट स्टेप पहले तो अमीनो एसिड नया आएगा अब ए साइट पे क्योंकि पी साइट पे ऑलरेडी फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन आया हुआ है. इनिशिएशन के टाइम पे ही आ गया था. ओके ठीक है. उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. वो बनाता कौन है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि इंटेग्रल पार्ट होता है 50S सब यूनिट का.
वो बॉन्ड बनाएगा, यानी कि पिछला बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। ओके, बन गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद राइबोसोम एक कडोन आगे शिफ्ट होगा, ताकि जो कुछ भी ए पे है वो पी पे आ जाए, जो कुछ भी पी पे है वो ई पे आ जाए, और ए साइड फिर से फ्री हो जाए। इसी तरह से ये चलता रहेगा। ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो ई एफ टी यू आया था जी टी पी के साथ, ये हर बार अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो बेटा इसको तो हर बार, क्योंकि अमीनो एसिड को लेकर आना है, तो इसको ये कन्वर्ट हो जाता है इसकी जीटीपी जीडीपी में। तो हमें पहले इसको रीजनरेट कराना होगा, बिकॉज इसको हर बार ही नए टीआरएनए को जिसके ऊपर अमीनो एसिड लगा हुआ है उसको लेकर आना है। तो उसको रीजनरेट कराते हैं अब, ठीक है? चलो देखो, राइबोसोम, राइट, इसको 30S मान लो, इसको 50S मान लो, वैसे बड़ा दिखाना चाहिए था ये वाला, ये लो। ओके, अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे एक हमारे पास पी साइड पे ऑलरेडी पड़ा है, और न्यू भी आया हुआ है हमारे पास कहाँ पे? एट साइट ए। इसको कौन लेकर आया है? ये देखो, उसको कौन लेकर आया है? देखो, अब जी टी पी बाउंड ई एफ टी यू लेकर आया है। ये देखो, ये बाउंड करके लेकर आया है। मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, ये देखो ये वाला, क्योंकि मैं रेड वाले को शो कर रही हूँ यहाँ पे। ये लो। ओके, चलो ये यहाँ पे आ रहा है। इन द मीन टाइम क्या हो रहा है? ये देखो, ये मैंने दिखा दिया, यहाँ पे आ गया। ये कैसे आया है? जी टी पी जो इसकी थी, ये वाली जी टी पी किस में हाइड्रोलाइज हो गई? देखना, जी डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हो गई, तो जाके ये टी आर एन ए कैरिंग अमीनो एसिड किस साइड पे आया है? ए साइड पे आया है। ओके, राइट। अब हमने इसको क्या कराना है? रीजनरेट कराना है। नो, अब हमने इसको रीजनरेट करवाना है। देखो, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा एक जी डी पी ई एफ टी यू, राइट, ये बचा था। अब होगा क्या? अब हमने इसको ई एफ टी यू से ई एफ टी यू जी डी पी से ई एफ टी यू जी टी पी बनाना है। सी, अब ये हेल्प कौन करता है? ये हेल्प करेगा हमारी ई एफ टी एस। याद है, तीन तरह के फैक्टर थे, ई एफ टी यू, ई एफ टी एस, ई एफ जी। तो हमने यहाँ पे अब क्या यूज़ करा है? ई एफ टी एस, वो हेल्प करता है इसको रीजनरेट करवाने में। ओके, तो ये देखो, ये कैसे रीजनरेट कराएगा? ई एफ टी यू, ई एफ टी एस, ये जी टी पी, यहाँ पे ई एफ टी एस मैंने निकला हुआ दिखा दिया, निकल गया, और ये जी टी पी बाउंड हो गई विद द ई एफ टी यू के साथ। देखो ध्यान से, राइट, ये देखो, ये इसकी रीजनरेशन देखो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जी डी पी और ई एफ टी यू रह गया था, अब हमने ई एफ टी एस की हेल्प ली है इसको रीजनरेट कराने में। ओके, क्लियर? तो ई एफ टी यू, ई एफ टी एस का कॉम्प्लेक्स बना, जी टी पी साथ में अटैच होएगी, ई एफ टी यू के साथ अटैच होगी, ई एफ टी एस निकल आएगा अपना, राइट। अब ये ई एफ टी यू कैसा है? ये ई एफ टी यू जी टी पी बाउंड है। कैसा है? ई एफ टी यू जी टी पी बाउंड है। अब ये एक नए और अमीनो एसिड को लेकर आ सकता है विद द हेल्प, क्योंकि वो टी आर एन ए के साथ अटैच होगा ना अमीनो एसिड, अभी इसको बाउंड कर सकता। चलो बाउंड कर लिया, ये देखो, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो, ये लो, अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करा, वेट, साथ में ई एफ टी यू
और जी टी पी, राइट? ओके, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसको साइट पे लेकर आना है, ये देखो। अब ये किस साइड पे आएगा? हमेशा नया वाला किस साइड पे आता होता है? ए साइड पे। ये लो फर्स्ट वाला वहीं पे पड़ा है मान लो, ये देखो एफ मैटी पड़ा है मान लो अभी भी, ये अभी न्यू आ गया, ये देखो ये जो अभी आया है ये वो वाला है, इसकी हेल्प से आया ये वाला, ओके राइट। और ई एफ रहने दो अभी, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ गया, राइट ये हमारे पास एम आर एन ए शो करा हुआ मैंने, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। अब होगा क्या? अब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, है ना? चलो मैं पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ दिखा देती हूँ पहले। देखते रहो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, अब देखो ये तो वही जो अभी आया था, ये मैं ब्लू से बना रही हूँ क्योंकि ये एफ मेट वाला है। यहाँ पे क्या रह जाएगा? फ्री वाला, खाली वाला। अब राइबोसोम को क्या होना पड़ेगा? 1 कडोन टूवर्ड 3' एंड शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एरो से दिखा देती हूँ ऐसे शिफ्ट होता हुआ। अब ये शिफ्ट होएगा, ये देखो। अब मैं इसी जगह पे आपको शिफ्ट हुआ दिखाती हूँ। ये इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे कैसे शिफ्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ ई एफ जी की हेल्प से, ये भी जी टी पी बाउंड होता है। ये देखो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब शिफ्ट हुआ कैसे दिखाऊँ? मैं यहीं पे दिखा देती हूँ इस वाले डायग्राम में, राइट? तो इस वाले डायग्राम में मुझे इसको फ्री रखना पड़ेगा। अगर आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड यहाँ से ई एफ जी की हेल्प से बाहर निकल जाएगा, जी डी पी निकलेगी अब साथ में, राइट? ओके, होपफुली आपको क्लियर होगा। एक बारी मैं फिर आपको शॉर्ट में समराइजेशन कर देती हूँ इसकी। हाँ जी, तो हमारे पास मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे पास है सब यूनिट्स, ये 30S है, ये 50S है। मैंने अभी बताया था कि कौन लेकर आएगा इसको, दैट इज़ नए अमीनो एसिड को कौन लेकर आएगा, दैट इज़ जी टी पी बाउंड ई एफ टी यू, उसके साथ में ये अमीनो एसिड बाउंड हुआ है, ये लेकर आएगा। किस साइड पे लेकर आएगा? ए साइड पे लेकर आएगा। ऑलरेडी पी साइड पे हमारे पास पड़ा हुआ है, कौन सा? एफ मेट पड़ा हुआ है। ये जो न्यू आया है ये अभी आया है ऐसा, राइट? क्योंकि इसने जी टी पी को हाइड्रोलाइज करा है जी डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ओके राइट? नाउ अब क्या होगा? अब हमें हर हालत में इस ई एफ टी यू, जो ई एफ टी यू जी डी पी बना है अब क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होगी जी टी पी की, तो हमें उसको रीजनरेट कराना है। तो हम रीजनरेट कैसे कराएंगे? ये हमारे पास पहले ही पड़ा है जी डी पी ई एफ टी यू, ये होगा विद द हेल्प ऑफ ई एफ टी एस की हेल्प से, ई एफ टी एस की हेल्प से। ये अगर आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ई एफ टी यू जी टी पी में, बस ये अब रेडी है नेक्स्ट अमीनो एसिड को लेकर आने के लिए भी, ओके राइट? तो ये हो गई यहाँ पे कंप्लीट हमारी इलोंगेशन, ओके? तो स्टूडेंट्स होगा क्या इसमें? बार बार ए साइड फ्री होती रहेगी ताकि नया टीआरएनए कैरिंग अमीनो एसिड ए साइड पे आता रहे, और राइबोसोम ऑब्वियसली अगर शिफ्ट होगा एक कडोन आगे तो रीडिंग भी होती जाएगी कडोन्स की एमआरएनए की, और जैसे वो शिफ्ट होगा तो ही ए साइड फ्री होएगी, और जो पी साइड पे चीज़ पड़ी होगी मतलब अमीनो एसिड तो नहीं होगा अभी, टीआरएनए जो पड़ा होगा खाली हुआ फ्री पड़ा हुआ वो ई साइड पे आ जाएगा, और जैसे वो ई साइड पे आएगा वो फॉल डाउन कर जाएगा, गिर जाएगा। तो हमेशा ऐसे इलोंगेशन होती रहेगी जब तक कि कौन नहीं आ जाता? स्टॉप कडोन नहीं आ जाता।
तो अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन, राइट। टर्मिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि यूकेरियोट्स के लिए ये जो इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। वो कौन से होते हैं? पहले मैंने आपको प्रोकेरियोट्स के कराए थे, 3 होते हैं बेटा, 3 फैक्टर्स होते हैं यूकेरियोट्स के लिए, 3 इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, 3 इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं फॉर यूकेरियोट्स। वो कौन कौन से हैं? EF1 अल्फा, 1 बीटा गामा एंड EF2, राइट। ये होते हैं। इसमें जो बात करें हम EF1 अल्फा वाला होता है वो EFTU का काम करता है, और जो EF1 बीटा गामा होता है वो काम करता है EFTS का, और EFG का काम करता है EF2 वाला। तो ये यूकेरियोट्स के मैंने फैक्टर्स की डिस्कशन कर ली, राइट।